स्थित निम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर के ऑर्थोपेडिक विभाग ने एक महिला के दोनों घुटनों का सफल ऑपरेशन किया। इसके अलावा भी निम्स अस्पताल में कई सफल ऑपरेशन किए गए हैं। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन और निम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डायरेक्टर डॉक्टर विनय सिंह ने राजस्थान के झुंझुनू से आई 63 वर्षीय महिला शहीदन के दोनों घुटनों का सफल ऑपरेशन किया है। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विनय सिंह और टीम ने 5 दिसंबर को इस ऑपरेशन को सही अंजाम तक पहुँचाया। जानिए डॉक्टर विनय सिंह और उनकी टीम ने ये कैसे कर दिखाया। जो महिला हमारे पास आई थी ये 63 साल की महिला है, जो कि लगभग 10-15 साल से घुटनों के दर्द से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इन्होंने कई अस्पतालों में दिखाया पर ऑपरेशन के डर के मारे और कुछ अपने पारिवारिक रीज़न की वजह से ये ऑपरेशन नहीं करा पाई। तो इनकी एक क्लोज रिलेटिव थे जिनका हमने दोनों घुटना एक साथ बदला था और वो पेशेंट काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, तो उनके रेफरेंस से आए थे। तो इनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा डर था कि कामयाब होगा नहीं होगा, पैर सीधे होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी जो हालत है इससे भी ख़राब हो जाएगी। ऑपरेशन से पहले ये मुश्किल से 2-4 कदम बहुत ज़्यादा सहारे के साथ चल पाती थी। जैसा आपने इनका वीडियो देखा होगा, पैर एकदम टेढ़े हो गए थे और चलना फिरना इनका नहीं के बराबर था। तो इनको मैंने काफ़ी समझाया, रीअश्योर किया कि नहीं, घुटने का ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुल होता है और निम्स अस्पताल में मेरे लीडरशिप में हम जो भी ऑपरेशन करते हैं उसमें मरीज़ का रिहैबिलिटेशन बड़ा ज़बरदस्त होता है। हमारी विशेषताएं 2 चीज़ें हैं। एक तो ऑपरेशन के अगले दिन ही हम मरीज़ को चला देते हैं, तो इस मरीज़ को भी जैसे हमने ऑपरेशन किया उसके अगले दिन से चला दिया। और दूसरा है पेन कंट्रोल। ये ऑपरेशन काफ़ी बड़ा होता है और लोगों को ऑपरेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा दर्द झेलना पड़ता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं और रेगुलर टॉपअप करते हैं, तो मरीज़ का जो दर्द जो चरम सीमा पर होता है, जो शुरू के 2-3 दिन होता है, वो मरीज़ को दर्द यहाँ पर नहीं के बराबर होता है। पेशेंट शहीदन के ऑपरेशन से पहले दोनों घुटने बिल्कुल मुड़े हुए थे, उनसे अपने पैरों से चला भी नहीं जा रहा था। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पेशेंट के दोनों पैर मुड़े हुए हैं और उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। आज ऑपरेशन के 5 दिन बाद पेशेंट शहीदन अपने पैरों पर बिल्कुल ठीक से चल रही है। पेशेंट और उसके परिजन निम्स हॉस्पिटल से इस ऑपरेशन से और डॉक्टरों की टीम से संतुष्ट हैं। आई हूँ और मेरा दोनों घुटना का ऑपरेशन हुआ है। अच्छी तरह से हूँ, पैर भी चलती हूँ और बढ़िया हूँ। मीन्स हॉस्पिटल में हूँ, बहुत अच्छा लगा और मैं एकदम सही चल जाएगी। पहले मेरे घुटने घूम गए थे, सही है एकदम। कोई पेन नहीं है? नहीं, कोई पेन नहीं है। दोनों घुटने पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे, चल भी नहीं पा रहे थे और हम यहाँ निम्स हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए और यहाँ हमें अच्छे से सेटिस्फेक्शन मिला। और इससे पहले हम सेल्वी हॉस्पिटल अहमदाबाद भी गए थे, लेकिन हमें वहाँ इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था पेशेंट को देख के। और यहाँ के कुछ पेशेंट देखे, डॉक्टर विनय सर जिनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके कुछ केसेस देखे तो वो आराम से चल पा रहे थे, तो उनको देख के फिर हमें भी ये हुआ कि हमें भी करवाना चाहिए। तो उनकी अच्छे से सर्जरी हुई है और सेकेंड डे ऑपरेट के सेकेंड डे इनको वॉक भी करवा दिया, चलवा भी दिया था। और यहाँ पे उनका सबसे ज्यादा दर्द का ख्याल रखा कि उनको दर्द का एहसास नहीं हुआ। डॉक्टर विनय सिंह घुटना ट्रांसप्लांटेशन, कुल्हा ट्रांसप्लांटेशन और रीढ़ की हड्डी के सैकड़ों सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। न्यूज इंडिया के लिए मेडिकल डेस्क की रिपोर्ट।